शॉट खेला जा सकता है, लेकिन यहां पर रन आउट का मौका पूरा किया है रन। बहुत तेज रनिंग यहां। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आज का मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स और टीम इंडिया के बीच में। रैंकिंग की बात करें, रैंक 4 पे है इंडिया, क्वेटा ग्लेडिएटर टॉप 10 से बाहर है। इंपॉर्टेंट मैच दोनों के लिए। टॉस की तरफ बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे हाल फिलहाल क्वेटा बनाऊँ, मैं लेफ्ट साइड में थी इसलिए बनाऊँ, वरना बनते तो हम इंडिया ही। पर टॉस का वक्त है, जीतने की कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि जब गेम खेलते हैं तब हम जो टीम बनते हैं उसको ही कोशिश करवाते हैं जिताने की। इंडिया ने लेकिन टॉस जीता है यहाँ पर, पहली सफलता टॉस के साथ। इंडिया ने बॉलिंग का फैसला यहाँ पर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं हम लोग, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक में से एक है इस टूर्नामेंट का इंडिया के पास। भुवनेश्वर, बुमराह, कुलदीप यादव, पिछले 3 मैचों में लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है हमारे गेंदबाजों ने। यहाँ पर अगर बल्लेबाज साथ दे देंगे तो मजा आ जाएगा। चौका लगता हुआ पहला, मैच की पहली बाउंड्री यहाँ पर। सैन वॉटसन यहाँ पे हुक शॉट लेना चाहेंगे फील्डर, लेकिन रन लेने में बहुत देरी की। पूरा किया है रन इस ओवर में, 7 रन, 1 गेंद बाकी अभी। छोर से जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा बाउंस लिए, बल्ले पे आ कैसे गई वो भी मुझे समझ में नहीं आया है। काफी ऊंची गई थी, 2 के लिए जा रहा है, रिस्की होगा रन, डायरेक्ट हिट आउट करेगी, लेकिन नहीं लगा है डायरेक्ट हिट, बच गए। भुवनेश्वर को यहाँ दूसरा ओवर दिया गया है, एक बार फिर और डिजर्व करते हैं। अर्ली शॉट बॉलर की तरफ, लेकिन रन पूरा किया है। 3 गेंदे, 2 रन, एक बार खेलना चाहूंगा मैं, लेट कट के अब अवॉइड करना होगा, अब अवॉइड करना होगा, ये बच्चे हैं इस बार। यहाँ पे बढ़ेंगे आखिरी गेंद की तरफ, बढ़िया शॉट, फिर से ओवर थ्रो दिया है, बच्चे हैं यहाँ पर, फिर से ओवर थ्रो होता हुआ और यहाँ पे हमने एक रन चुरा लिया है। 2 बार ओवर थ्रो हुआ है यहाँ पे, फाइनली 1 रन एक्स्ट्रा मिला है। ये लग रहा है स्पिनर इसके बाद आएंगे, यहाँ पे हाल फिलहाल लेट मिस हुआ है, आने दिया था नजदीक लेकिन काफी। अगली गेंद स्क्वायर लेग पे, सिंगल ही चल रहा है हाल फिलहाल, कोई बड़े शॉट देखने को नहीं मिले। ओवर थ्रो हुआ है लेकिन फंसाने की कोशिश थी इंडियन फील्डरों की। 10 ओवर खेल जाते हैं तो वो भी एक अच्छी बात होगी। यहाँ इनसाइड एज लगती हुई, जो कि बहुत रेयर होता है हमारे साथ कि एज लगे और हम बच जाएं। यहाँ पर शहजाद यहाँ सामना करेंगे, बैक फुट पे रखा है गेंद और एज दे ही दी हमने। अर्ली शॉट खेल रहे थे बार बार और गेंदबाज को पता था कि यहाँ पर विकेट मिल सकता है, अंत तक कोशिश की और यहाँ पर एक गेंद हल्का सा नीचे रही है, थोड़ा सा देख सकते हैं बाउंस के हिसाब से गई नहीं है उतनी ऊंची। अर्ली शॉट और एज लेके कीपर के हाथों में विकेट गंवाए यहाँ पर क्वेटा ने। 27 बनाए पहली इनिंग में, अब देखा जाए तो रोका जा सकता है 27 से पहले अपोनेंट यानी इंडिया को। यहाँ पे देखते हैं कैसी गेंदबाजी करते हैं, उस पर सब डिपेंड करेगा। केएल राहुल और शिखर धवन बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दोनों बल्लेबाज। शोएल तनवीर आउट ऑफ फॉर्म, 110 का एवरेज। स्लोअर रखी है गेंद और यहाँ पर क्या ये कैच ड्रॉप हुआ है, स्लोअर यॉर्कर आती हुई और यही शॉट का इंतजार कर रहा था मैं, लेकिन लग रहा है लॉन्ग ऑन से दूर है, रोक पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, रोका है, पहला रन बना जरूर है इंडिया का, लेकिन बाउंड्री जाते जाते रोका है फील्डर ने। यहाँ स्लोअर गेंद और मिड ऑफ पे गई है, प्लेयर मौजूद, 1 रन आया अभी तक इस ओवर से। ये आखिरी गेंद, पावरफुल शॉट, डीप में प्लेयर मौजूद, 1 रन और आया है, 2 के साथ ये भी ओवर पूरा होता हुआ। 13 में से सिर्फ 1 गेंद खेलने को मिली है धवन को, उस पर भी रन लिया था पहली गेंद पर ही, और यहाँ पर दूसरी गेंद चौके के लिए बढ़ती हुई, 2 पूरे किए हैं, 3 नहीं, 2 से ही यहाँ पे कुछ स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे धवन इस वक्त। 75 से कम रेटिंग है सारे बल्लेबाजों का, मैं बता दूं पहले ही, आसान नहीं है गेंदबाजी यहाँ पर। केएल राहुल और शिखर धवन की शॉट, यहाँ पे केएल राहुल का शॉट है और चौका फाइनली जाता हुआ यहाँ। वुडलैंड रखा जाएगा ये गेंद, वहीं के वहीं रुका है, सीधा आया एंगल के कारण। यहाँ पे यॉर्कर्स की शुरुआत, बीट हुए हैं, 4 जा सकता है यहाँ पे, कोई तेज खेला है शॉट लेकिन नहीं, यहाँ रोका है लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, बढ़िया फील्डिंग, लंबा चेस था, 2 रन बचाए। गुड लेंथ गेंद, स्लोअर रखी है, उछली है लेकिन है ही नहीं, प्लेयर ऑफ साइड में है, यहाँ पर रन की कोशिश नहीं की है, वो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ है। तेज गेंदबाज कुछ असरकारक लग नहीं रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहली बात की हमने और यहाँ पर बीट हुए हैं, पैरों पे लगी है गेंद, नॉट आउट, मिसिंग है पूरी तरीके से लेग साइड।
चौथा ओवर का आखिरी गेंद और रन निकाला है यहाँ पे, लेकिन क्राउड के रिएक्शन से यहाँ पे लग रहा है दो तो कंफर्म है। चौका के लिए इंतजार करना होगा अभी, ले रहे तीन ले लिए यहाँ पे गलत थ्रो के कारण। हर बार हम आसान समझते थे कि चलेगा यार, लेकिन यहाँ पे नुकसान सहना पड़ा है। इस बार अटैकिंग गेंद, टॉप स्पिन है, नहीं निकाला है रन यहाँ पर। फील्डर बी दो की कोशिश नहीं किया, एक से ही यहाँ पे खुश पहला रन इस ओवर का आता हुआ। स्लाइडर दिए गेंद, अरे गलती हुई है मेरे से, वाइड दिया है, एक्स्ट्रा रन। दूसरी गेंद यहाँ पे अच्छा रखा है गेंद, लेकिन स्ट्रेट शॉट है, लीड खत्म हो जाएगी यहाँ पे कंफर्म है। रोकना है भाई साहब, दो रन की लीड हम पे चढ़ गई यहाँ पे क्वेटा के ऊपर। स्लाइडर के साथ एंड करना चाहिए ओवर, बैक फुट पे डिफेंस, दो की लीड इस समय हमारे ऊपर। हालत खराब कर दी इंडिया ने हमारी, ऑटो प्ले जैसा मैं कहता हूँ कि हमारे हमेशा खिलाफ रहता है, हर टीम के साथ, मोस्टली हर एक टीम के साथ, वैसे भी एक बार साथ पेशावर के साथ रहा था साथ, उसके अलावा कभी नहीं रहा। 50 ओवर इंडिया ने खेली हमारे गेम प्ले के बाद, 41.1 ओवर खेला है, 176 हमारे, 149 की लीड के साथ आगे इंडिया इस वही टाके ओपनर्स। 149 की लीड का दबाव होगा, अभी तक शेन वॉटसन ने टोटल 181 बनाए रन, और भुवनेश्वर 16 में 19 विकेट। 10 ओवर है हमारे पास, यहाँ पर अर्ली शॉट लग रहा है, 126 की स्पीड से डाला था इसलिए स्लोअर रखी थी, एक रन आता है अभी। यहाँ दूसरी गेंद बाहर रखा है, अच्छा शॉट, गैप में नहीं जा पाया, एक ही मिलेगा, ओवर थ्रो का है, ड्रामा किया है मुझे लग रहा है, लेकिन हमने ड्रामे का फायदा उठाया और इंडिया पे भारी पड़ गया ड्रामा। ओवर थ्रो का जो ड्रामा चल रहा था नुकसान में रह गया इंडिया इस बार। या थोड़ा सा आगे चलेगा इस मैच में, किनारा लेके गई है गेंद, दो की कोशिश है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन थ्रो दी है, हाँ थ्रो भी नॉन स्ट्राइकर पर ही दी है, दो रन। स्पीड में परिवर्तन करके डाल रहे हैं ये मैं बता दूं आपको, इनकी गेंद को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, 121 की स्पीड से डाला है, फिर से ओवर थ्रो का नाटक किया, इस बार फिर से हमने फायदा उठा लिया है यहाँ पे, दो रन फिर से मिलते हुए। शेन वॉटसन यहाँ पर हुक शॉट बॉलर की तरफ, लेकिन मिस कर गया शिखर धवन, शायद शिखर धवन ही है शायद, पर यहाँ मिस किया है स्क्वायर लेग पे। विराट कोहली यहाँ पर सेट करते हुए, लीड बहुत बड़ी, यहाँ पर गेंद वहीं रुकी है, फील्डर पहुंचे हैं लेकिन काफी वक्त लिया है, बीट हो रहे हैं हम लोग लगातार। शेन वॉटसन इस वक्त और फिर से बढ़िया खेला है, बॉलर की तरफ अगर डायरेक्ट थ्रो नहीं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लग पाया है। बुमराह या नए ओवर की शुरुआत, अपील नहीं हुई है, मतलब लेग बाय है, एक रन लिया एक्स्ट्रा। 11 गेंदें 12 रन और फिर से गेंदबाज की तरफ मौका, लेकिन इस बार तो पहुंच गए आसानी से, टू शॉट खेला जा सकता है, लेकिन यहां पर रन आउट का मौका, पूरा किया है रन, बहुत तेज रनिंग यहां पे, अनएक्सपेक्टेड शॉट में कि भाई ये कर कैसे लिया रन, और ये क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे, अनऑर्थोडॉक्स खेलने का इरादा, यहाँ पर रन लिया है, कीपर को कुछ समझ में ही नहीं आया है, जब तक उठे तब तक बोल रहे ये बदल कैसे गए बैट्समैन, ये सोच रहे होंगे। वाइड गेंद भी दी है शेन वॉटसन यहाँ पे, और एज लगी है, गेंद लगी है, एज लगी है भाई साहब, लगी है, इन स्विंग कराई थी, इन स्विंग इस बार बाउंसर की मदद से विकेट निकाला है, और बाउंसर एक दे चुके थे वार्निंग, नो बॉल देनी चाहिए थी उस हिसाब से। इस तरह से एक खोया है विकेट, आवाज आई थी साफ साफ आवाज आई थी, अब क्लोज लग रहा है थोड़ा, लेकिन अब DRS नहीं लिया है हमने, तो यहाँ पर एक इनिंग और 118 रनों से जीता है। सबसे बड़ा टास्क क्वेटा के लिए था, जो 10 ओवर का कोटा होता है उसके अंदर क्वेटा नहीं कर पाई है। KL राहुल मैन ऑफ द मैच बनते हुए 88 रनों की नॉट आउट पारी खेली है और इंडिया यहाँ पे जीता है, टेबल में नंबर 2 पे आ चुका है। मेलबर्न तो भाई पांचों के पांचों मैच जीत चुका है, नेट रन रेट बेहतर है तो उसको पीछे करना थोड़ा मुश्किल होगा टीमों के लिए, लेकिन मेलबर्न, इंडिया, इंग्लैंड, अमेजन वॉरियर्स, दो इंटरनेशनल टीमें टॉप 4 में एंट्री ले चुकी हैं। यहाँ पे रैंकिंग अंत की आप देख सकते हैं क्या हाल है। इंडियन टीम्स की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ये राउंड पहली बार ऐसा हुआ है, चेन्नई जीती, मुंबई जीती, सनराइजर्स जीती, इंडिया जीती, ऊपर से दो मैचेस तो हम लोग जीते और दो हम लोग हारे हैं उनके अपोजिशन में रह के। कल का मैच अमेजन वॉरियर्स और वेस्टइंडीज के बीच में, दो वेस्टइंडीज की टीमें भिड़ेंगी, लेकिन अमेजन के लिए ये खास है, वेस्टइंडीज के पास भी चांस है टॉप 4 में आने का, 8 पे है, ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए लेना होगा विदा, जल्दी मुलाकात होगी कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।